सहचरी के पास गया। राजा बोला, क्या बात है, ये तुम्हारी सुंदरी से मैं शादी करना चाहता हूँ। राजा, उसके कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस को अगर तृप्त करो तो आप उसके बारे में, शादी के बारे में बात कर सकते। राजा के राजा गया, बोलो क्या कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है। पहला कंडीशन है कि तुम बूढ़े हो गए हो, वो बूढ़ों के साथ शादी नहीं करना, जवान आदमी के साथ ही शादी करना चाहती है। राजा, तुम बूढ़े हो गए। अब राजा को पहला प्रश्न ही बड़ा सारा, बूढ़ा तो हो गया अभी क्या है, जवान तो कैसा नहीं हो सकता। उन्होंने अपने मातृ महर्षि के पास गए, महाराज महामहिम आप कोई भी बात नहीं कर रहा, आप मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा, मेरा अभिलाषण केवल पूछने के, मेरे प्रश्न का उत्तर दे क्या, पूरा क्वेश्चन ये बता दो, मैं जवान कैसा हो सकता हूँ, क्यों क्या हुआ, मैं काम पीड़ित हो गया, उस सुंदरी स्त्री को देखा हूँ, उसकी शादी करना चाहता हूँ और मैं अभी जवान बनना चाहता हूँ, बोलो क्या मार्ग है। मातृ महर्षि बोले, सर पकड़ के बैठ गए, इसको मैं क्या बोला और ये क्या हो गया, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि केवल जवानी चाहिए, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तब महामुनि ने कहा, तुम्हारे में से कोई भी, तुम्हारा कोई भी आदमी, तुम्हारा कोई भी व्यक्तित्व, तुम्हारा कोई भी पुत्र, तुम्हारा कोई अपनी जवानी अगर तुम्हें देता है तो मैं यहाँ गुरु बैठा हूँ, उसकी जवानी से तुम्हें जवान कर देता हूँ और उसको बूढ़ा कर देता हूँ, तुम जवानी प्राप्त, इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं। ये आके फौरन अपने चारों पुत्रों को बुलाए, बुढ़े मैं तुम्हारे मेरा राज्य पूरा दे दूंगा, तुम्हारी जवानी मेरे को दे दूंगा। बड़ा पुत्र बोला, क्या फिर बूढ़े होने के बाद राज्य क्या चाटने के लिए कायो, हाँ मैं नहीं देता। दूसरा पुत्र को पूछा, क्या हुआ, तो तेरा तेरी जवानी दे दे। बोला, पिताजी आपका दिमाग खराब हो गया क्या, बिल्कुल जवानी कौन किसको देते, किस लिए देते, क्या करना है जवानी लेके आपको इस जमाने में, आप जगह बैठ जाओ अब हम राज करेंगे। बोले, सर काट के फेंक देता हूँ मैं राजा हूँ, तू बालू फट जा। तीसरा पुत्र आखिर में चौथे पुत्र गुरु के पास गए और बोले कि तुम क्या कहते हो। बोले, पिताजी आपकी अगर इच्छा है कि पिता का धर्म, पुत्र का धर्म होता है कि पिता की आनंद के लिए अपना सब कुछ खोजें, मैं मेरी जवानी आपको देने के लिए तैयार हूँ। गुरु को बुलाया और कहा, वाह बेटा तू है, ये सारा राज्य तुझे दे रहा हूँ, इस राज्य का तू ही राजी, तू ही अधिकारी, तू इसको देख लेना, तेरी जवानी मुझे दे दे। मंत्री मोहन ने संकल्प किया और उसकी जवानी महाराज याति को दी गई। अगर ऐसी कोई साधना है और मैं आज आप लोगों को बोलूं कि ऐसी साधना है तो कितने बूढ़े लोग जवान होने के बारे में आगे आ जाएंगे। गुरु जी हम खड़े हैं यहाँ बैठे हैं, जरा मुझे जवान करवा दो। ऐसी साधना है लेकिन नहीं देते, ऐसी साधना बताना भी नहीं चाहिए, नहीं तो सर बेटे ऐसे हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा लोग बूढ़े हो जाएंगे, पत्नियाँ मेरे को गल जाएंगी, क्योंकि ऐसी साधना है लेकिन नहीं दी जाती। ये साधनाएं पहले सब लोग किया करते थे, साधनाएं देते थे। ऐसा संसार में कोई असंभव कार्य नहीं है जिसको हम संभवता के साथ ले सके। गुरु जी ने भी आपको, अगर आप 1986 की पत्रिका देखते हैं तो उसमें गुरु जी ने भी कहा है, कोई मृत्यु शैया पर अगर तुम्हारा पति या तुम्हारा पत्नी, तुम्हारी पत्नी पड़ी हो और लोग डॉक्टर लोगों ने हाथ उठा दिया हो कि जी नहीं सकती, तो पत्नी अगर अपने गुरु को साक्षी मानकर जिस पतन पर पत्नी या पति पड़ा हो, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, पांच प्रदक्षिणा करते हुए ये संकल्प करती है गुरु के सामने कि मेरी आयु का, अब जितनी भी आयु मेरी बची हुई है उस आयु में से मैं मेरी आधी आयु मेरे पति को प्रदान करती हूँ, ऐसा संकल्प करके गुरु जी के चरणों में झुक जाती है और गुरु आशीर्वाद देता है, तो उसका पति जरूर बचेगा। और मैंने ये कार्य मेरे आंखों से देखा है। मैं यूं ही नहीं कर रहा हूँ लेकिन उसमें समर्पण भाव हूँ। वो जो देने वाला भी अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति प्रेम रखने वाला, सारा कम मानते बोलने वाला पति दिए तो नहीं चलता। पत्नी के प्रति प्रेम कितने वो लोग रखते हैं या पति के प्रति, पत्नी मैंने ये देखा, लेकिन ऐसा रखने वाला जो कि अपने पति के प्रति बहुत निष्ठावान। मैं इस चीज़ को एक बार कहीं भी नहीं, मेरी ही सास यानी मेरी पत्नी की माँ बहुत बीमार थी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो नहीं बचेगी और मैं सडन घर पे गया तो उन्होंने कहा, दामाद था कैसा भी मेरे ऊपर बहुत विश्वास करती थी, और उन्होंने कहा कि दामाद जी और कोई जीने का कोई है, मेरे को जीने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो उनकी माँ अभी भी जिंदी थी यानी मेरी सास की माँ, तो मुझे गुरु जी के वचन आए, याद आए और मुझे लगा, और वो उनकी माँ कमी से कम 30 कोटि राम जप करती थी, राम नाम का जप करती थी। वो आई तो मैं बोला
क्या है तुम्हारी बेटी बीमार है, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर ने तो 3 दिन कहा है, तुम क्या करना चाहते हो? मैंने उनके माँ से कहा, क्या अजी भाई तुम दे सकते हो क्या? क्या तुम्हारे मंत्र का जप, दशांश जप तुम्हारे बेटी को दे दो, तुम्हारी बेटी बच जाए। तो अरे माँ कहे कि तू जय मंत्र से कराए चाहे माँ जी लेके लगा तो यहाँ गुरु खड़े हैं, तुम्हारे गुरु को साक्षी मानकर तुम्हारे बेटी के पलंग के सामने तुम ये बोलो कि मैं मेरे बेटी के लिए मेरा जप किया हुआ दशांश दे रहे हूँ, वो और भी 3 साल बचे ये छोड़ दो। उन्होंने पानी छोड़ा, मैं साक्षी हूँ, मेरी पत्नी साक्षी और घर वाले साक्षी हो, 3 साल बची, करेक्ट 3 साल हो। अरे मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी साधनाएं भी हमारे जीवन में हैं जिसके साथ हम असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं। मैं बूढ़े आदमियों को भी, सतपुते को, जीव काटे को अभी भी जवान बना सकता हूँ, 25 साल का बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को उपद्रव होता उनको जवान बना से इसलिए नहीं बनाता। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि हम असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, साधनाएं ऐसी है। यति को पूर्ण अपना अपना अपनी जवानी दे दी, गुरु बूढ़े हो गए और याति जवान हो गए, और जवान होकर सीधा सीधा उनके पास गए, उस रानी के पास गए और कहने लगे कि देख मैं आ गया, वो परेशान हो गई, जवान हो गया आदमी, अब मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। सहचर्य ने कहा, जवान होने से बात नहीं चलती, मेरी पत्नी दूसरों का इंटरफेरेंस नहीं चाहती, इसके 2 पत्नियाँ पहले से ही है, बोलो कि वो 2 पत्नियाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी तभी मैं शादी करूँगी। अब याति बोले, अभी मैं जाता हूँ और शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों भी ऋषि पत्नियाँ, ऋषि की बेटियाँ, वो कैसे माने? उन लोगों के सामने गया और दोनों के पास पहले जाकर हाथ फैलाया और वचन लिया, बोलो क्या तुम तुम्हारा पति का सुख चाहती हो या नहीं? अब दोनों कौन पत्नियाँ, ऐसा कोई पति का सुख कौन नहीं चाहती, उन्होंने कहा पति तो वचन दो कि मैं तुम्हारे पति के सुख के लिए कुछ भी करती हूँ। दोनों ने वचन दे दिया, मैं एक लड़की सुंदरी जिसका नाम अश्विनी बिंदु है, मैं उसके साथ प्रेम किया हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, और तुम दोनों कभी भी पत्नी बनकर उसके साथ मैं जब तक रहूँ तुम मेरे साथ नहीं आओगी, इसका वचन दे दो। दोनों फंस गए थे, वचन दे दिए थे और उन्होंने उस बात को लेकर आए और उस लड़की के साथ साधना की। ऋषि को जो उनके गुरु थे उनको कितना कष्ट हो रहा था कि मैं इस एक के प्रेम के जाल में कितने लोगों को दुख प्रदान कर रहा हूँ। आए उस अश्विनी बिंदु के साथ, उन्होंने शादी की, उनके साथ 20,000 साल रहे। लेकिन यह अश्विबिंदु कौन थी, इसका जीवन क्या था, इसके बारे में इसका नाम अश्विबिंदु क्यों पड़ा, यह के जमाने की एक बहुत बड़ी कहानी। आपको पता नहीं कि समुद्र मंथन में जब 14 रत्न आए उसमें से अपने को मालूम है कि आपको एक लक्ष्मी ही बाहर आई थी, लेकिन शास्त्र कहता है कि उसमें से 4 स्त्रियां बाहर आई थी। पहली स्त्री का नाम था लक्ष्मी, दूसरी स्त्री का नाम था वरुणी, तीसरी स्त्री का नाम था कौमुदा और चौथी स्त्री का नाम था ज्येष्ठा। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी हुई, वरुणी अश्विनी कुमारों के पास गई और कौमुदा, जिस जो कौमुदा है यही ये अश्विबिंदु नाम की ये स्त्री है, और ज्येष्ठा के बारे में जानते हैं जो लक्ष्मी की बहन कहलाती है और जिस ज्येष्ठा का पूजा करते हैं, ये चारों भी समुद्र मंथन से ही बाहर आए थे। तो यह जो कौमुदा थी जब भी हंसती थी ये अमृत के छलकने से, अमृत के भांड में लहर के साथ उत्पन्न हुई, ऐसा समुद्र मंथन में शास्त्र कहता है। ये कौमुदा जब भी हंसती थी उसके मुख से फूल झड़ते थे, कमल के फूल। उस कमल के फूलों को अगर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरों को जो भी चढ़ाता है उसकी श्रेष्ठता, उसकी विद्वत्ता, भगवान कुछ भी साधना न करने पर भी उन फूलों को चढ़ाने पर प्रसन्न हो जाते हैं। और वो रोती है जब उसके फूलों को अलग भरते हैं और वो फूलों को शिवजी को चढ़ाते हैं तो उसके जीवन में उपद्रव, एक दिन में उपद्रव आ जाएगा, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा भगवान ने कहा और उसको यह वरदान दे दिए। क्या चल रहा है? तो तब उस कौमुदा को जब ये लेके आए और उन्होंने पूछा कि ये कौमुदा बैठी हुई एक दिन ऐसा ही बैठी थी तो उसमें उतने में एक हुंड नाम का राक्षस था। उस हुंड नाम के राक्षस ने सारे संसार में बहुत ही उपद्रव मचा दिया था। उसको भगवान विष्णु ने मार गिराया था। जब ये पता चला कि उसका दूसरा भाई था उसका नाम था विहुंड,
विभंड को पता चला कि देवताओं ने मेरे भाई को मार दिया है, तो उसने जोरों से तपस्या की। इतनी तपस्या जोरों से की कि उस तपस्या के कारण देवता भी घबरा गए कि अगर ये बड़ा होता है, अगर ये महान होता है, तो फिर इसके यहाँ इसको हम कुछ नहीं कर सकते। वैसा ही विभंड नाम का वो राक्षस जो हुंड का भाई था, बहुत बड़ी तपस्या किया और देवता उसको देखकर थर थर कांपने लगे। उसको मारने की क्रिया किसी को भी नहीं हो सकती थी, कोई भी उसको मार नहीं सकते थे। ऐसे क्षण में उसने सभी लोगों ने जाकर विष्णु भगवान के पास, जो विष्णु भगवान ने उनकी प्रार्थना की और बोले कि प्रभु कोई ऐसी क्रिया करो, कोई ऐसी क्रिया करो कि वो विभिन्न मर जाए, उसको मारने की क्रिया करो, आप कुछ ना कुछ मार्ग बताओ। तब भगवान विष्णु ने कहा मैं देख लेता हूँ, मैं देखता हूँ उसको क्या करना है, मैं जरूर उसको मारूंगा। कभी कभी इन वचनों को आपकी हमको भी देखते हैं, कभी मैं हूँ ना बोलता हूँ, मैं हूँ ना पहले से बोलने से पहले आप बोलो कि हाँ गुरु जी आप हमारे हैं। जिस दिन आप कहेंगे कि आप हमारे हैं, उस दिन मैं हूँ ना का काम करता है, नहीं तो मैं हूँ ना काम नहीं करेगा जब तक आप ये नहीं कहते कि आप है गुरु जी। और इस दोनों में यह जो अंतर है, इस अंतर को मिटाने के लिए पहले गुरु जी को आपको मानना पड़े, तब गुरु जी कहे कि आप मैं भी हूँ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। हमारे पास भी साधक बहुत सारे हैं, सारे कभी कभी बैठे करते हैं, बैठे बैठे कहते हैं गुरु जी आप इतने व्यस्त रहते हो, किसी को फोटो पूछ लेते हो, आप फोटो मेरे को देख लेना, मैं देख लेता हूँ, सब काम ठीक हो जाएगा। गुरु जी फोटो लेके बैठ जाते हो, देख लेता हूँ, करते क्या देखते हैं आपको ये पता नहीं चला। तो मैंने उनसे उदाहरण कहा, आपके घर में कोई देवता का फोटो घर से उठा के ला, कहीं दुकान से उठा के लाते हो, कोई मंदिर से, कोई यात्रा से उठा के लाते हो, घर में फोटो रख देते हो और रोज नमस्कार करते हो, क्या मतलब हुआ? फोटो में नमस्कार करने से देवता आ गया? अगर तुम्हारे घर में फोटो लाकर देवता का नमस्कार करने से देवता आता है, तो मेरे शिष्य भी मेरे पास फोटो लेने से आ जाते हैं, मैं भी उनको देखता। मेरे में भी वो शक्ति है, उनको देखने की शक्ति मेरे पास भी है। आप भी तो कहीं से भी फोटो उठा के लाते हो और नमस्कार करने से भगत देवता बात करते हैं, तो मेरे पास फोटो लाने से क्यों काम नहीं होगा? होगा। तो उसी तरह उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा मैं देख लेता हूँ, ऐसा ऐसी बात उन्होंने उस विभिन्न नाम के राक्षस को उपद्रव कम करने के लिए कहा। तो फिर बाद में कहा, उतने में नारद भगवान आए, विष्णु ने कहा नारद अब इस माया की रचना आपको करनी। नारद ने कहा प्रभु जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कि वो जो कौमुदा है जिसने हंसने से, जो समुद्र मंथन से आई हुई है, वो तपस्यारत है और अब विभिन्न राक्षस को उसके पीछे लगाऊंगा। विभिन्न अपने पास से जाते जाते सारे देवताओं को उपद्रव कर रहा था, उसकी दृष्टि कौमुदा पर पड़ी। कौमुदा पर पड़ते ही उसने कहा हे कौमुदा सुंदरी तुम हो कौन, मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। तो कौमुदा कहा क्या ऐसी कहीं ऐसी वैसी बात है क्या, जो अश्विंदु के नाम से जानी जाती थी, जो सुंदर है, मेरे से शादी आप शादी नहीं कर सकते, मेरे से शादी करने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है क्या? तो बोले कौमुदा नाम के फूल है, उसको चुन के लाकर अगर 1 कोटि फूल तुम शिव जी के ऊपर चढ़ाते हो, तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। विभिन्न राक्षस था, भागते हुए अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गया और बोला कि मेरे को कौमुदा के फूल चाहिए 1 करोड़, मैं शिव जी को चढ़ा, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरे शुक्राचार्य बोले क्या मूर्ख है, कौमुदा नाम के फूल नहीं है, कौमुदा नाम की स्त्री है, वो सुंदर है, वो जब हंसती है तो उसके मुख से फूल फटते हैं और वो जब रोती है तो उसके रोए हुए भी फूल होते हैं, और उसके रोए हुए फूल को अगर गलती से शिवजी के ऊपर चढ़ा गया तो तेरी भरवाली शिव को हंसते हुए फूलों को चढ़ा गया तो तेरी इच्छा पूर्ण होगी। अब कैसे करें, उन्होंने कहा फूल कहाँ मिलते हैं, फूल कहाँ मिलते हैं? तो फलाना गंगा के किनारे वो तपस्या रहते हैं, वहाँ बैठे हुए, और अगर तू वहाँ जाके उन फूलों को छुन लेता है तो तेरा काम होगा। भगवान जय कौमुदा को देखा और विभिन्न जाना चाहता था, उससे पहले ने नारद ने अपनी माया रची और वे कौमुदा के पास गए। कौमुदा के पास गए और बोले कहाँ क्या बेटी, कैसे चल रहा है, सब ठीक है, सब ठीक है? तो उन्होंने कहा प्रभु मैंने सुबह सुबह एक स्वप्न देखा है। बोले कैसा कैसा स्वप्न देखा है? कि भगवान विष्णु जो अंतर्यामी है, सर्व ब्रह्मांड में वैकुंठ में रहने वाले, वो पृथ्वी पर टहलते हुए ऐसे नजर आते हैं जिसके वल्कल पहने हुए हैं, जिनके बाल सूखे हुए हैं। मैंने ऐसा स्वप्न देखा, भगवान विष्णु को पृथ्वी में विचरते देखा हुआ है। तो उसने कहा अरे बात ऐसा तो देख, कफ पर स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं, कफ वित्त और वात प्रकृति के। वात प्रकृति के प्रश्न, वात प्रकृति के स्वप्न सुबह पड़ते हैं और वो सत्य होते हैं। कफ और पित्त के प्रश्न स्वप्न सीधे नहीं होते, वो रात्रि में पड़ते हैं, ऐसा भगवान नारद ने कौमुदा को कहा। तो ये स्वप्न सुबह पड़ा था इसलिए मैं बात ये स्वप्न तो सिद्ध होगा। तो उसने नारद ने कहा बेटी मुझे जो ज्ञान है ये तो ऐसा ही होने वाला है, विष्णु पृथ्वी तल पर आने वाले हैं, तो उनके उसके आंखों से पानी आने लगा।
जो विष्णु हमें शादी करने के लिए तैयार थे, लक्ष्मी को शादी कर ली और बाद बाद में उन्होंने शादी करने के लिए तैयार थे, ऐसे मेरे महाविष्णु जिसकी आराधना मैं करती हूँ, पृथ्वी पर आके बलगत पहनकर अपने जटाओं को बढ़ाकर जंगल में घूमते नजर आएंगे, उसको बहुत दुख हुआ और वो गंगा के किनारे जाकर रोते हुए बैठी। जिस समय रोते हुए बैठी, इधर नारद ने कोमुदा को रोने का काम कर लिया और गंगा के किनारे जाकर बैठ गया और उधर विभिन्न के पास गए नारद महर्षि। बोले क्या चल रहे हो, क्या विभिन्न क्या कर रहे हो? बोले महर्षि आप कुछ भी मत बोलो, मैं कोमुदा के फूल लाने जा रहा हूँ जो शिव जी को चढ़ाने हैं। अरे अरे गलती से भी कोमुदा नगर में और कोमुदा के पास नहीं जाना, गया कि खराब तेरी बर्बादी शुरू हो जाती। हाँ उसके फूल जरूर गंगा में पड़े हुए मिलते हैं, तू खड़े वहाँ खड़े रहेगा तुझे फूल जरूर मिलेंगे। तू कोमुदा के पास गया तेरी बर्बादी शुरू। अब उसको तो वो भूल गया माया के कारण, उसको फूल चाहिए थे, फूल मिलते हैं नारद ने बता दिया गंगा में फूल मिलेंगे। यहाँ वो रो रही थी और फूल पड़ रहे थे और विभिन्न उन्हीं फूलों को ले लिया और उन्हीं फूलों को ले जाकर वो रोज शिव जी के ऊपर चढ़ा रहा था। शिव जी के ऊपर जैसा ही चढ़ा रहा था शिव जी को क्रोध आया। बाद में उसके बगल में ही माता बैठी थी, माता पार्वती ने कहा ये क्या कर रहा है प्रभु, तुम्हारे पसंद का काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो उसकी मृत्यु ने उसे बुलाया है पार्वती, और पार्वती ने ही एक ब्राह्मण वेशधारी बनकर उसके पास गई और कहा कि तू ये क्या कर रहा है विभंड? तो उसने कहा मैं ये फूल चढ़ा रहा हूँ, कोई भी मेरे बीच में बात नहीं करने का, मैं कोमुदा को चाहता हूँ। अरे मूर्ख यहाँ इसमें ये रखा हुआ है कि फूल जो अश्रु बिंदु से आए हुए वो शिव जी पर चढ़ाए थे, तेरे ऊपर उपद्रव आएगा और हंसे हुए फूल पड़ते हैं तो इसके साथ तेरी सुख होगी, तूने उपद्रव वाले फूल चढ़ाए हैं तेरा तो तेरे ऊपर उपद्रव है। अरे तू बात मत कर, नारद जी ने कहा यही फूल लेने के लिए कहा है। और जैसे वो फूल चढ़ाने गया उस ब्राह्मण रूप में रहने वाले पार्वती माता ने उसका सर काट दिया, उसको बेहोश कर दिया और वो मर गया। इस प्रकार उस विभंड को मारने के बाद वह जो कोमुदा थी उसी कोमुदा को भगवान अश्वबिंदु नाम के इस यति महाराज ने शादी कर ली थी। मेरा कहने का मतलब ये सारे क्यों कहानी